मध्य प्रदेश विधानसभा में उठा हरदा मामला। हरदा से कांग्रेस विधायक राम किशोर दोगे ने प्रतीकात्मक सुतली बम की माला पहनकर पहुंचे विधानसभा। सरकार से की एसआईटी गठित करने की मांग, अधिकारियों पर भी सख्त कार्यवाही की मांग, सरकार पर लगाया मृतकों की संख्या को छुपाने का आरोप। क्या सरकार को पता नहीं है जो आप ये गले में माला डाल के आए? बिल्कुल, सरकार सो रही है, तभी तो इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही थी। 20 साल से भाजपा की सरकार है, सरकार में क्यों नहीं कार्रवाई की गई? वहाँ के नेता, वहाँ के अधिकारियों ने क्यों कार्रवाई नहीं की? कलेक्टर एसपी क्या कर रहे थे, कमिश्नर क्या कर रहे थे, वहाँ का थानेदार क्या कर रहा था जिस थाने में है, सब पे कार्रवाई होना चाहिए और एफआईआर होना चाहिए इनके ऊपर। थाने पे भी एफआईआर होना चाहिए, थाने के पास में ही फैक्ट्री चल रही थी और मेन रोड पे चल रही थी, इसलिए ये सफिशियंट नहीं। ट्रांसफर करना कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, कार्रवाई करें, क्योंकि लोगों की जान गई है, लोगों मारे गए हैं, लोगों के साथ अत्याचार हुआ है, लोगों का मकान पूरे खत्म हो गए हैं, जीवन खत्म हो गया, कई के पिताजी चले गए, किसी का लड़का चला गया, कोई बूढ़ी माँ बची है, तो इस सबको मुआवजा प्रॉपर मिलना चाहिए। 4 लाख में होगा क्या? लोगों का जीवन नहीं निकल पाएगा। जी ने कहा था आज इस मुद्दे को उठाएंगे, लेकिन आपकी बात पर कहा जाए कि आप जो मुआवजे की बात करें, क्या मुआवजे से मामला सलट जाएगा, या फिर यूं कहें कि आपने भी तो पहले से नहीं उठाया इस मामले को, आप तो विपक्ष में थे, अभी आप वर्तमान में विधायक बने हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि कांग्रेस यानी जो विपक्ष है इस पर राजनीति कर रहा है। देखिए, राजनीति तो हमने नहीं की, राजनीति तो कमल पटेल ने शुरू की, हमने तो कोई किसी पे आरोप नहीं लगाया था, राजनीति तो कल कमल पटेल ने आरोप लगाकर हम पे राजनीति की है। जब सत्ताधारी दल का आदमी, सत्ताधारी दल का मंत्री कह रहा है कि विपक्ष के संरक्षण में चलता है, हो सकता है क्या? ये विपक्ष अगर संवैधानिक काम कर रहा है या अनैतिक गतिविधियां चला सकता है क्या? सत्ता पक्ष चलाता है और सत्ता पक्ष कमल पटेल इकबाल था, अपनी बचत के लिए हम लोग को आरोप लगाया, आज इसलिए हमको ये सब चीजें करना पड़ रहा, आज स्थगन है, बिल्कुल हम लोग लड़ेंगे, सरकार से मांग करेंगे। उमंग सिंगार जी ने आरोप लगाया था कल के बीजेपी के कुछ मंत्री और कुछ बड़े नेताओं का संरक्षण है, उसमें पैसा भी उनका लगा है, कोई आप तो वहाँ के हैं, आपको तो पता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बगैर संरक्षण के चल सकता क्या? आप बताइए, सत्ताधारी नेता या मंत्री के बगैर संरक्षण के कोई काम हो सकता है क्या? वहाँ हरदा में खुला जुआ सट्टा बिक रहा है, शराब बिक रही है, किराने की दुकानों पे शराब मिल रही है, इस तरह की पूरी गतिविधियां हो रही है, और 2 महीने से मैं विधायक बना हूँ, तब से मैं चिल्ला रहा हूँ, मैंने गांधी जी के सामने धरना भी दिया, वहाँ सब चीजें कर रहा है, इसके बाद भी वहाँ जूनी रेंग रही थी और ये इतनी बड़ी घटना हो गई है, इसके लिए मैंने पहले भी गांधी जी के सामने धरना भी दिया था कि इनको सद्बुद्धि दे, अधिकारियों को सद्बुद्धि दे, भाजपा के नेताओं को सद्बुद्धि दे, ये गतिविधियां अनैतिक गतिविधियां बंद हो, पर नहीं हो रही थी। अभी सट्टा जुआ भी बड़ा खुल के चल रहा है वहाँ, खुला, और दारू भी बिक रही खुली, और ये घटना, ये फैक्ट्री खुली चल रही थी, ये देख लो, ये घटना हो गई आपके सामने।